हाय एवरीवन, डॉक्टर अन्विका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पिंपल्स हैं वो किस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस आपके फेस पर छोड़ सकते हैं अगर आप उन्हें टाइमली ठीक ना करें। तो तीन तरीके की कॉम्प्लिकेशंस वो छोड़ सकते हैं, रेड मार्क्स, ब्लैक मार्क्स या फिर एट्रोफिक स्कार्स, राइट। सो सबसे पहला रूल है कि पिंपल्स अगर आए तो उन्हें एंटी पिंपल क्रीम या सीरम्स लगाकर जल्दी ठीक कर दीजिए। अगर आप उन्हें जल्दी ठीक नहीं करते हैं तो आपने उनको टाइम दे दिया स्किन को डिस्ट्रॉय करने का, तो वो इन तीनों में से कोई भी एक कॉम्प्लिकेशन छोड़कर जाएंगे। सो एक्ने आए उसको इग्नोर मत कीजिए, एंटी पिंपल सीरम आप उस पर लगा लीजिए। यू कैन बाय दैट फ्रॉम द एंटी पिंपल सीरम फ्रॉम DrAnvika.com। हर रोज रात को बिल्कुल आधी आधी बूंद दोनों चीक्स पे लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है, आधी बूंद से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो अगर आप पिंपल्स को जल्दी ठीक कर देते हैं तो आपने उनको टाइम नहीं दिया स्किन को डिस्ट्रॉय करने का, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगी। आप दूसरा, आपने पिंपल्स को फोड़ना नहीं है। बहुत लोगों की अर्ज होती है बस फोड़ देते हैं, अगर आप फोड़ोगे पक्का पक्का थर्ड कॉम्प्लिकेशन गड्ढा पड़ेगा, एट्रोफिक स्कार्स होंगे। सो ये दो गलतियां नहीं करनी है। नाउ कमिंग टू द कॉम्प्लिकेशन, कौन सी तीन कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? रेड मार्क्स यानी कि वो रेडिश कलर छोड़ जाते हैं जो 6 months टू 18 months में ठीक होता है, या फिर ब्लैक मार्क्स, अगेन इट विल टेक 6 months टू 18 months फॉर इट टू गो ऑन इट्स ओन, अपने आप जाने के लिए। एंड द थर्ड वन इज ये जो गड्ढा रह जाता है, स्किन सर्फेस ही थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है, इसको कहते हैं एट्रोफिक स्कारिंग। ये जो स्कार है ये आपका अपने आप से बिल्कुल नहीं जाने वाला है, फाइन। तो दीज आर द थ्री कॉम्प्लिकेशन। अब इनकी ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं। अगर रेड कलर का इस तरीके का मार्क आपको आ गया है तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे वाले सीरम्स यूज कर सकते हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड एंड नियासिनामाइड है, दैट विल हेल्प। दोनों रात को लगाने हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को सैलिसिलिक सीरम नहीं लगाना है, या फिर किसी डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में जाकर सैलिसिलिक एंड ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड पील्स करा सकते हैं। सो दैट इज गोइंग टू हेल्प रेड मार्क्स के लिए। अगर आपके ब्लैक मार्क्स हैं तो आपने कौन सा सीरम यूज करना है जिसके अंदर एजिलिक एसिड्स हो और हाइड्रोक्विनोन हो। हाइड्रोक्विनोन अगर आप गूगल आउट करेंगे, अरे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है, नहीं, अगर आप 1-2 महीने के लिए लगाते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती हैं, वो उनको होती है जो 3-4 साल तक कंटिन्यूसली लगाते रहते हैं तब जाकर होती हैं। तो एजिलिक एंड हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग सीरम्स एंड क्रीम्स आप लगा सकते हैं अगर ब्लैक मार्क्स हैं तो। सेकेंडली, डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में जाकर TCA पील या येलो पील करा सकते हैं, या फिर NDAQ स्विच लेजर करा सकते हैं। ये NDAQ स्विच लेजर स्पेसिफिकली वो लेजर है जो स्किन में मेलानिन को मारता है, या फिर आपकी जो पील ऑफ लेजर्स या फिर पील ऑफ पील्स, ताकि सुपरफिशियल डेड स्किन हटे तो साथ में कालापन भी हटे। सो ब्लैक मार्क्स के लिए पील ऑफ या फिर NDAQ लेजर या फिर एजिलिक एंड हाइड्रोक्विनोन कंटेनिंग सीरम्स। कमिंग टू द थर्ड कॉम्प्लिकेशन, द वर्स्ट कॉम्प्लिकेशन, दैट इज एट्रोफिक स्कारिंग, गड्ढे जो ये पड़ जाते हैं। इसके लिए आप कोई क्रीम नहीं काम करने वाली है, जो भी आप एड्स वगैरह देखते हैं कि ये गड्ढे भर जाएंगे, एब्सोल्युटली नॉट, ये गड्ढे आपके किसी भी क्रीम से नहीं भरने वाले हैं, ट्रस्ट मी। इसके लिए अब आपको कराना पड़ता है डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में जाकर लेजर्स भी, ये नहीं कि बस CO2 फ्रैक्शन लेजर दिया हो गया। हम हर सेशन के अंदर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट करते हैं, हम माइक्रो नीडलिंग, सबसेजन, एब्लेटिव लेजर, फ्रैक्शनल लेजर, डर्मा एब्रेजन, TCA, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, इसका कॉम्बिनेशन करते हैं तब जाके ये जो आपके स्कार्स हैं ये 70-80% तक भरते हैं। तब भी कोई भी मेडिकली इसको 100% फिल नहीं कर सकता, दैट इज मेडिकली नॉट पॉसिबल। सो बेस्ट इज प्रिवेंशन इज द क्योर। आप प्लीज अपने पिंपल को फोड़िए ही मत, एंटी पिंपल सीरम लगा के जल्दी ठीक कर लो, जाके ऐसे गड्ढे पड़े ही ना। अगर ऐसे गड्ढे पड़ गए तो आपको 3-6 सेशन एक महीने के गैप में कम से कम आपको डर्मेटोलॉजिस्ट क्लिनिक में लेना पड़ेगा, और तभी रिजल्ट्स आएंगे जब हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट हर सेशन में करते हैं। मेरे 70% पेशेंट्स जो एक्ने स्कारिंग के साथ आ रहे हैं वो दूसरी क्लिनिक्स में जाकर लेजर्स ले चुके हैं, रिजल्ट्स नहीं है। क्यों? बिकॉज सिंगल मोडालिटी से रिजल्ट्स नहीं आते, कॉम्बिनेशन से ही रिजल्ट आते हैं, एंड हम एट डार डर्मेटोलॉजी क्लिनिक कॉम्बिनेशन करते हैं हर सेशन में। तो इस तरीके के कुछ आप ये बिफोर आफ्टर चेकआउट कर सकते हैं कि एक्ने स्कार के अंदर अराउंड 70-80% जो है आपके गड्ढे जो है वो सेफली एंड परमानेंटली लेजर की हेल्प से, कॉम्बिनेशन की हेल्प से भर जाते हैं। बट वाई टू गेट देयर, हमको क्यों गड्ढे करने और क्यों गड्ढों को लेजर से फिल कराना है, हमें पिंपल्स को आने ही नहीं देना। उसके लिए आप मेरा दूसरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं कि आप पिंपल्स आए ही ना उसके लिए क्या कर सकते हैं, पिंपल्स आ गए तो गड्ढे ना छोड़े, उसके लिए मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। सो अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी टॉपिक पे स्किन एंड हेयर रिलेटेड वीडियो बनाऊं, डू राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। विजिट माय वेबसाइट DrAnvika.com, जहां आपको हर तरीके के सीरम्स मिलेंगे, सॉल्यूशन बेस्ड विद राइट परसेंटेज इन द राइट इंग्रेडिएंट्स, सो दैट आपको रिजल्ट्स मिले। कैश ऑन डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया।
यू कैन विजिट माई इंस्टाग्राम डॉक्टर डॉट तान्विका, जहाँ आपको स्किन एंड हेयर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज मिलने वाली हैं. सो इफ यू आर रियली अ स्किन एंड हेयर जंकी, डू फॉलो माई इंस्टाग्राम. स्टे हैप्पी, स्टे स्माइलिंग, एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.